नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और मैं हूं आरती सिंह। भोजपुर का इलाका दोहरे हत्याकांड के बाद से सहम गया है। जिले के तरारी थाना क्षेत्र के सिदहा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही घर में दो महिलाओं का हत्या कर शव पड़ा मिला। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह के दो पत्नी मोतिहारी देवी व कांति देवी थी। उनकी दोनों पत्नी रात्रि पहर घर में सोई हुई थी, तभी अज्ञात अपराधियों द्वारा घर में घुसकर उक्त दोनों महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों को व स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब गांव के स्कूली बच्चे ट्यूशन पढ़ने मृतक के घर के बगल में गए हुए थे और अपना साइकिल नित्य दिन की तरह मृत महिला के घर में लगाने के लिए जैसे ही पहुंचे तो देखा कि घर में दोनों महिलाओं की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ज्ञात हो कि स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह की दो शादी हुई थी। पहली पत्नी से जब कोई संतान नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी से शादी हुई, जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी की शादी के बाद उनकी दोनों पत्नी एक साथ घर में अकेली रहती थी। वहीं शव का अंत परीक्षण कराने आए थाना के एक आरक्षी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा दो महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल मामला संपत्ति विवाद को लेकर माना जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैसे हुआ ये हत्या? अभी तो हम लोगों को पता नहीं है कि कैसे हुआ। देखने से मालूम हुआ, वहाँ गए हम तो आज सुबह 9 बजे, तो देखने से मालूम हुआ कि ये भुंजिया जो था कढ़ाई में है, इनको चूल्हे के पास छोट जानी है जो श्रीकांति तुअर, उनको काटा हुआ है। और मतलब बड़े जानी कितने लोग हत्या हुई है? दो हत्या हुआ। दोनों किसी से किया गया, कुछ पता चला है? अरे ऐसे तो मैंने धारदार हथियार से मारा गया है, या गणास हुआ या गणासी हुआ या फांसी जो भी हुआ। किसी से विवाद वगैरह कुछ पहले का था क्या? विवाद तो नहीं है, खेत बधार भी जो है वो सब लड़की को लिख दिए हैं लोग। गोतिया भाई से भी कोई मैंने ऐसे तो पहले से मैंने अथी नहीं है, गोतिया भाई से कोई राय भी नहीं है किसी से, कोई गोतिया से इनको राय नहीं है। सुबह में खाना बना रही थी उसी दरमियान है ये हत्या हुआ है जी? सुबह में खाना बना रही थी उसी? ना, सुबह में खाना नहीं, शाम को, कल शाम में। हाँ, लेकिन मालूम हुआ है सुबह में कोई लड़की गई है उनके घर, तो देखी कि मैंने पड़ी है तो जगाने लगी, तो नहीं बोली तो जाकर अपने घर कही, तो लोग वही अगले बगल के लोग फोन किए लड़कियाँ के यहाँ, और लड़कियाँ के यहाँ से हमारे यहाँ फोन आया। पुलिस को इसकी सूचना आप लोग दिए हैं? पुलिस के यहाँ तो यही सूचना, मैंने कोई नाम नहीं है, जानकारी है ना। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा कमेश्वर सिंह नाम है। कहाँ पर ये घटना हुआ है? सिदहा में घटना हुआ है, घर में। कैसे बदल जाओ? सवेरे पता लगल है तो हम नहीं है, सुबह में पता लगल है 7 बजे तो हम नहीं है। ये लड़का ट्यूशन पढ़ल सब बगल में वो कुम्हार के घर में, तो वही में साइकिल रखल सर खड़िया में, तो साइकिल रखल सन तब गुजर सन तो देखल सन कि दादी सुतले बड़ी, तो वह लड़के बाद कोई कोई से कहल सन तो हमरो सूचना मिलल है तो देखने जाए कि बेचारी एगो खाना बनावला चूल्हा भी गिरल बड़ी है एगो निकसार में चौकी पर, तो बड़ा बाबू भी फोन कैले है, तो बड़ा बाबू घूस के मारा है। तब कैसी हालत में दोनों लोग थे? मर गए रहे दोनों जन। हाँ, उसके बाद ओकरा बाद का मर गए तो बड़ा बाबू भी हम सुनने है, तो बड़ा एगो SPO बन हमारा गाँव में चौकीदार हम ही, तो दोनों आदमी उनका भी गोनी है। एक बाद में बड़ा बाबू भी फोन कैले है, तो बड़ा बाबू नहीं है। फिर यहाँ सब के हित न तो हई बच्ची, यहाँ सब के एगो बच्ची भी है, तो बच्ची के यहाँ ससुर हई, तो एक बाद में फिर यहाँ सब नहीं है, फिर थाना अला लिखा पड़े करके गए। किस गांव का मामला है? सिदहा। किस थाना अंतर्गत पड़ता है? तरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंगद सिंह। आप कौन?